हेलो फ्रेंड्स, आइए अब प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं जो 3 नंबर का आपके सामने है। एक कंपनी का तरल अनुपात, तरल अनुपात क्या होता है? लिक्विड रेशियो, या इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो जो है वो कितना है? 1.5:1 है, तथा इसका चालू अनुपात, चालू अनुपात को हम क्या बोलते हैं? करंट रेशियो, करंट रेशियो दे रखा है कितना? 2:1 है। इसका रहतिया स्टॉक आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दे रखा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है? 6 गुना है, यानी 3 अनुपात आपको दे रखे हैं। आपको सबसे पहले तरल अनुपात, चालू अनुपात और रहतिया आवर्त अनुपात, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप बोलते हो, वो 6 गुना दिया हुआ है, तथा इसका इसकी कुल चालू संपत्तियां कितनी है? 2 लाख रुपए है। करंट असेट्स, चालू संपत्तियों का मतलब होता है करंट असेट्स, आपको 2 लाख रुपए दे रखी है। आपसे पूछा क्या गया है? प्रचालन से आगम की गणना कीजिए। प्रचालन से आगम का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको शॉर्ट में आरएफओ बोलते हैं। आरएफओ की गणना करनी है। यदि माल का विक्रय, माल का विक्रय किस पे किया जाता है? लागत पर 25% के लाभ पर किया जाता है, मतलब लागत में 25% जोड़कर लाभ, मतलब माल का विक्रय किया जाता है। तो यहां सबसे पहले लागत मुझे पता चल जाए तो उसमें 25% लाभ में जोड़ दूं तो वो विक्रय आ जाएगा। ये विक्रय ही आपका क्या है? आरएफओ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी आप सेल्स निकाल दीजिए, वो सेल्स ही आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, आरएफओ होगा। तो यहां पर कुछ अनुपातों के बारे में बोला गया और अनुपातों से प्रश्न आपको पूछा गया है। तो 3 अनुपात आपके सामने हैं, उन 3 अनुपातों का एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि यहां पर कौन सा अनुपात से हम यहां पर प्रश्न को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो मैं 3 अनुपातों का फॉर्मूला लिख रहा हूं। सबसे पहला है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो जो तरल अनुपात है, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स यानी जो आपकी एक तरीके से त्वरक संपत्ति जिसको आप बोलते हैं, और उसमें किसका भाग देते हैं हम? करंट लाइबिलिटीज, चालू दायित्वों का भाग देते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये है। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला है करंट रेशियो, जो आपको दिया हुआ है करंट रेशियो। चालू अनुपात का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स, चालू संपत्तियां, और उसमें किसका भाग दे दो? करंट लाइबिलिटीज यानी चालू दायित्वों का भाग दे दीजिए। तो ये करंट लाइबिलिटीज को हम यहां पर क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो ये हो गया। तीसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको आप, मैं यहां पर अलग से दिखा देता हूं। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो आईटीआर बोलते हैं, शॉर्ट में हम रहतिया आवर्त अनुपात, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, औसत रहतिया। ये 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूले में अब किसमें सबसे पहले मूल्य रखा जाए? देखो प्रश्न में करंट असेट्स दे रखी है। यदि प्रश्न आप देखोगे तो करंट असेट्स दे रखी है। करंट असेट्स चालू संपत्तियां जो है, यदि इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो ये करंट असेट्स आपके सामने है 2 लाख रुपए की। प्रश्न इंग्लिश में दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 2 लाख रुपए की करंट असेट्स है। तो आप इन सभी फॉर्मूले में देखिए कि कहां पर करंट असेट्स रखने पर मुझे कुछ उत्तर मिल सकता है। आप देखिए यहां पर ये करंट असेट्स दी हुई है, तो अगर मैं यहां करंट असेट्स रख दूं तो मुझे कुछ उत्तर मिल सकता है। यानी करंट रेशियो आपका चालू अनुपात जो था वो 2:1 था। 2:1 का मतलब वो 2 था, क्योंकि 2:1 का मतलब वो उसकी राशि कितनी थी? 2 थी। करंट असेट्स दे रखी थी 2 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटीज का मुझे पता नहीं, जिसको सीएल बोलते हैं। करंट लाइबिलिटीज को शॉर्ट में मैं सीएल लिख रहा हूं। यदि आप यहां पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप गुणा करोगे, तो 2CL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो CL कितनी हो गई, करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई? 2 लाख में किसका भाग देना है? 2 का भाग दे दोगे तो करंट लाइबिलिटी आपकी जो है, चालू दायित्व कितने आ गए? 1 लाख रुपए आ गए। अब इन चालू दायित्वों को अगर मैं यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा?
क्विक असेट्स आ जाएगी। क्विक असेट्स का मतलब होता है त्वरित संपत्तियां या त्वरक संपत्तियां। देखो चालू जो अनुपात था वो कितना था, क्विक रेशियो कितना दिया हुआ था, 1.5 अनुपात 1, यानी इसका राशि इसका मूल्य क्या आया होगा, इसका उत्तर 1.5 दिया हुआ है। क्विक असेट्स मुझे नहीं पता तो वो QA हो गया। करंट लाइबिलिटीज मुझे पता है वो कितना है, 1,00,000 रुपए। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्विक असेट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,00,000 × 1.5, यानी क्विक असेट्स जो है वो आपकी आ जाएगी 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। ये आ गए क्विक असेट्स। अब यहां पर इसके बाद में मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे ये देखना होगा ना कि क्या क्या दिया हुआ है जिससे मैं आगे चलूंगा। अब आपको ये पता होगा कि क्विक असेट्स क्या होती है। क्विक असेट्स का मतलब होता है करंट असेट्स, चालू संपत्ति में से क्या घटा दो, इन्वेंट्री घटा दो। इन्वेंट्री का मतलब होता है रहतिया, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दो, यानी पूर्वदत्त व्यय। लेकिन यहां पूर्वदत्त व्यय की कोई बात नहीं की गई है तो हम इन्वेंट्री घटाएंगे। यानी इससे मुझे क्या पता चल सकता है, इन्वेंट्री कितनी थी वो मुझे पता चल जाएगा। चूंकि यहां पर मुझे ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं बोली गई है तो यहां एवरेज इन्वेंट्री की जगह मैं ये वाली इन्वेंट्री जो है इसको प्रयोग में ले लूंगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा एवरेज यूज में लेते हैं, लेकिन हम हमेशा एवरेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर एवरेज नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग जिसको प्रारंभिक और अंतिम पूंजी बोल रहे हैं आप, वो नहीं दी गई है, तो ये जो इन्वेंट्री आएगी यही इन्वेंट्री यही रहतिया मेरे लिए क्या होगा, औसत रहतिया यानी एवरेज इन्वेंट्री होगा। तो क्विक असेट्स मेरे पास है 1,50,000 रुपए की आपको दी हुई है। करंट असेट्स आपको प्रश्न में दी हुई है 1,50,000, तो मैंने गणना करी थी और 2,00,000 आपको दी हुई है। इन्वेंट्री का मुझे पता नहीं है तो इन्वेंट्री को ऐसे रहने देते हैं। अब चलिए इन्वेंट्री को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में और इसको उधर भेज दीजिए, तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,00,000, ये प्लस का 1,50,000, अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 1,50,000 हो जाएगा। यानी इन्वेंट्री आपकी कितनी आ गई, 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए मैं यहां पर एवरेज की जगह लिखूंगा। क्यों? क्योंकि औसत मुझे पता, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो जो इन्वेंट्री आई वो ही आपकी क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग, यानी एवरेज इन्वेंट्री की जगह मान ली जाएगी। यानी एवरेज इन्वेंट्री की जगह मैं ये इन्वेंट्री रखने वाला हूं, ये रहतिया रखने वाला हूं। अब आपके पास जो प्रश्न में था आप देखेंगे रहतिया आवर्त अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 गुना दिया हुआ था, तो मैं यहां पर रख देता हूं 6 गुना, ये 6 गुना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मुझे नहीं पता, इसको शॉर्ट में COGS बोलते हैं। एवरेज इन्वेंट्री मुझे पता है कितना है, 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए। तो COGS कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा, 50,000 को किससे गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए, यानी COGS जो है वो आपका कितना आ गया, 3,00,000 रुपए, 5×30 यानी 3,00,000 रुपए आ चुका है। अब इस प्रश्न में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने इसकी गणना COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत, लागत की गणना आप कर चुके हो। यदि आप प्रश्न को वापस पढ़ेंगे तो आपको ये बोला गया है विक्रय जो है लागत पर 25% लाभ पर किया जाता है। यदि आप इस लागत में 25% लाभ जोड़ दे तो विक्रय यानी आपका सेल्स आ जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट आया है यानी जो लागत आई है वो लागत कितनी है, लागत यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहे हैं, कॉस्ट जो है वो कितनी आ गई, 3,00,000 रुपए। इसमें अगर मैं लाभ जोड़ दूं, लाभ जो है वो होता है प्रॉफिट, जो है प्रॉफिट आपको कितना बोला गया, 25% किसका, लागत का। लागत 3,00,000 है, यदि मैं यहां गणना करूंगा 3,00,000 का 25% निकालना है तो 25/100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 75,000 रुपए। ये 75,000 रुपए आ गया, यानी 3,75,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, विक्रय आ जाएगा, विक्रय यानी सेल्स आ जाएगा। तो ये सेल्स आपका 3,75,000 आ चुका है। ये सेल्स ही आपका क्या होता है, RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आपका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 3,75,000 रुपए है। 3,75,000 रुपए क्या आ चुका है, RFO आ चुका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये 3,75,000 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा।